सांस को अपना है, ध्यानी बन जाए। 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 सांस को अपना है, सांस को अपना है, सांस को अपना है, ध्यानी बन जाए। सांस को अपना है, ध्यानी बन जाए। ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे हमसे, ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे हमसे, हम खुद को कैसे बदलेंगे? ध्यान से, विज्ञान से, आत्मज्ञान से। खुद को जानो, तुम क्या हो, पहचानो तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो। सांस को अब ना है, ध्यानी बन जाए। सांस को अब ना है, ध्यानी बन जाए। मुझ में क्या अंतर है, पशु पक्षी भी जीव है। तुझ में मुझ में क्या अंतर है, पशु पक्षी भी जीव है। जीने का हक सबको है, हम सब सारे एक है। ध्यान कर, शाकाहारी बन, आत्मज्ञानी बन। खुद को जानो, तुम क्या हो, पहचानो
सुकून को सारे ढूंढने चले, ढूंढने चले। धूप छाओ की जिंदगी में एक पल के खुशी को हम खोजने चले, खोजने चले। गूंज सत्य की सुन के हम थम गए, हम थम गए अपने। एक नई लहर आनंद की, एक नई लहर आनंद की, एक नई लहर आनंद की। हमको ब्रह्म में मिला दे, हमको ब्रह्म में मिला दे। नव युग में सत्य को सशक्त बनाए, सत्य की आवाज सुनाने जन जन को सशक्त बनाए। पत्री जी के संकल्प से आया, विश्व शांति को लक्ष्य बना। Bye.
चेहरों पे खिली मुस्काने, सत्य को घर घर पहुंचाने, स्वर्ग को धरती पर लाने, खुद को पहचान कर जान ले दुनिया है घर, तय कर अपना सफर, खुद की भी ले खबर, ओ बेखबर कर दुनिया।
आत्म विद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, आत्म विद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो। जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो, आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो, निर्वाण विद्या जय जय हो, भाग्य विद्या जय जय हो, जय जय हो, विश्वास विद्या जय जय हो, ज्ञान विद्या जय जय हो, दिव्य ज्ञान विद्या जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो, संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो, संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो, संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो, स्वाध्याय शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो, प्राण शक्ति जय जय हो, दिव्य प्राण शक्ति जय जय हो, पिरमिड शक्ति जय जय हो, दिव्य पिरमिड शक्ति जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
सत्य हिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, सत्य हिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, मैत्री करुणा जय जय हो, दिव्य मैत्री करुणा जय जय हो, समता शांति जय जय हो, दिव्य समता शांति जय जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो। चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो, आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो, तपो लोक जय जय हो, सत्य लोक जय जय हो, तपो लोक जय जय हो, सत्य लोक जय जय हो, ज्ञान लोक जय जय हो, सत्य लोक जय जय हो, ज्ञान विश्व जय जय हो, दिव्य ज्ञान विश्व जय जय हो, ज्ञान भारत जय जय हो, दिव्य ज्ञान भारत जय जय हो, जय हो जय हो जय हो।
वाल्मीकि वेदव्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो, वाल्मीकि वेदव्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो। येसु मोहम्मद जय जय हो, लावो सुसुवांसु जय जय हो, येसु मोहम्मद जय जय हो, लावो सुसुवांसु जय जय हो। मिलार प जय जय हो, कबीर नानक जय जय हो, लवर्स की बिसेंट जय जय हो, युक्तेश्वर लाहिर जय जय हो, ओशो रंपा जय जय हो, दिया ओशो रंपा जय जय हो, ओशो रंपा जय जय हो, दिया ओशो रंपा जय जय हो।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा आत्मवंदन मास्टर। मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। पीएमसी हिंदी द्वारा आयोजित मास्टर 105.0 की 39th डे की ध्यान श्रृंखला में आप सभी ध्यानियों का मैं स्वागत करता हूं। तो मास्टर्स, आज हमें ध्यान की गहराई में ले जाने के लिए हम जब सबके बीच उपस्थित है वसंता शास्त्री मैम। वैसे मैम वो हम सभी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। मैम दिल्ली से हैं और उनकी ध्यान यात्रा 2008 से शुरू हुई है। मैम का पूरा परिवार तन मन धन से PSSM के लिए समर्पित है। ध्यान में आने के बाद मैम का जीवन पूरी तरह से बदल गया है और हर पल आनंद से जी रही है मैम। आज उत्तर भारत में PSSM को लाने में मैम का पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम PMC द्वारा आयोजित यह प्रोग्राम जो कर रहे हैं मास्टर 105.0, इसमें भी उनके दोनों जो बेटी हैं अलेख्या मैम और अमूल्या मैम, इन दोनों का ही एक टीम बना करके बहुत बड़ा योगदान है। मैम अपने घर के छत पे एक पिरामिड बनवाई है और वो सेंटर चलाती हैं जहाँ रेगुलर ध्यान, सज्जन सांगत्य और बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं। मैम पिछले 6 साल से पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन की एडिटर के रूप में काम कर रही है और मैम की PMC हिंदी पर एक बहुत अच्छा शो एक आता है बुद्धा फूड्स के नाम से, जो हम सभी जानते हैं, उसमें मैम बड़ी भूमिका निभा रही हैं। मैम तिहाड़ जेल में जाकर के ध्यान सिखा चुकी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और लेकिन मैम के पूरे परिवार ने डेथ यानी मृत्यु को भी सेलिब्रेट किया है। पत्री सर के जो विजडम है वो उनको अपने जीवन में ही नहीं बल्कि जन जन तक पहुँचाने में हर संभव प्रयास कर रही हैं। तो हम सभी मिल करके मैम का स्वागत करेंगे। स्वागत है मैम आपका मास्टर 105.0 के ध्यान श्रृंखला में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आज बुलाने के लिए। मास्टर, ध्यान में बैठ जाते हैं। जहां पर भी बैठे हो आरामदायक बैठे, हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें, आंखें बंद करके अपनी स्वाभाविक श्वास के ऊपर एक हो जाए। जो चश्मा पहने हैं चश्मा निकाल दीजिए, आराम से बैठ जाए। केवल अपनी अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, इसके साथ एक हो जाए। ना कोई मंत्र, ना कोई मूर्ति की कल्पना, केवल आप और आपके श्वास। अद्भुत संगीत के साथ ध्यान करेंगे।
चारों नाव जी। क्योंकि विचार हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जब भी मन विचारों में उलझे, पुनः श्वास के ऊपर लेकर आ जाइए, क्योंकि श्वास ही हमारा गुरु है, श्वास ही सच्चा साथी। अंदर आती हूँ श्वास, बाहर जाती हूँ श्वास, अपनी स्वाभाविक श्वास के साथ एक हो जाए। गुजरा हुआ कल या आने वाला कल, इसके बारे में ना सोचे, अभी इस वक्त अपनी सांसों के साथ एक हो जाए, क्योंकि सांस हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। अपने शरीर के परे, मन के परे, अपनी आत्मा से जुड़ जाए दोस्तों, ध्यान में और गहरे उतर जाए, सब कुछ भूल जाए,
केवल आप और आप विश्वास। हमें हमेशा याद रखना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का भोजन ध्यान है। प्रतिदिन जितनी हमारी उम्र है उतना समय अवश्य ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से ही ज्ञान, ज्ञान से ही मुक्ति। अंदर आती हूँ श्वास, बाहर जाती हूँ श्वास, निःसांसों के साथ एक हो जाए। Thank you.
चारों में उलझे वापस श्वास के ऊपर आ जाइए, क्योंकि श्वास ही हमारा गुरु है। श्वास को पकड़े, तन की स्वस्थता, मन की शांति, बुद्धि का विकास और आत्मा का आनंद केवल अपने ध्यान से मिलता है। इस ध्यान को पकड़ के रखें और मुक्ति पाए।
विचार शून्य मन, जब जब आपका मन इधर उधर भटके तुरंत उसको श्वास के ऊपर लेकर आइए। प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। इस अद्भुत ऊर्जा का आनंद लें। और ध्यान में और गहरे उतर जाए, अपनी आत्मा से जुड़ जाए। Thank you.
साथ एक हो जाना, वही है ध्यान।
हम सब भगवान हैं, इस भगवत तत्व को जानने के लिए ध्यान है।
आखिरी 10 मिनट, कोई भी बीच में आंख न खोले। हर पल आनंदमय जीवन जीने के लिए ध्यान है। इस ध्यान को अपनाएं, जीवन को आनंदमय बनाएं। आखिरी 5 मिनट,
last 5 seconds. Five, four, three, two, one. हड्डियों को खोलकर आंखों के ऊपर रख लीजिए। इस अद्भुत और सरल ध्यान देने के लिए ब्रह्मर्षि पिता माँ बद्री जी को, समस्त गुरु मंडली को धन्यवाद देते हुए आराम से धीरे धीरे निहथेलियों में ही आंखें खोली। टेक योर ओन टाइम। थैंक यू मैम, हमें थैंक इतने अच्छे ध्यान के लिए, हमें गए ध्यान की शून्यता को अनुभव कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो यू, थैंक यू। मास्टर्स, अब ध्यान के बाद है ज्ञान के बारी, और मास्टर्स, अभी हम सभी मास्टर बन चुके हैं। आज विजडम शेयरिंग का लास्ट दिन है, लास्ट सेलेक्शन एंड क्लोजिंग का सेरेमनी है। तो मास्टर्स, आज हमारे आखिरी दिन जो विजडम शेयरिंग के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, हम सभी उनको जानते हैं। इससे पहले भी हम पीएम हिंदी पे बहुत सारे शो में उनको देख चुके हैं और सेशन भी हम लोग उनसे सुन सके हैं, सुन चुके हैं। तो वैसे सर के बारे में तो इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं थोड़े से बताना चाहूँगा। सर मोस्ट पिरामिड मास्टर हैं हितेश सर, आज हमारे ज्ञान के रास्ते में जुड़ने के लिए जुड़े हैं। सर एमबीए करके कई सारे कॉर्पोरेट्स में काम करके किए हैं, दो है, और उनके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद उनके जीवन में कुछ ना कुछ कमी थी, ऐसा महसूस होता था। तो उनके सिस्टर के द्वारा उन्हें ध्यान परिचय 2008 में हुआ। उस ध्यान करने के बाद उन्होंने समझ पाए अपने आप को कि हमारे सारे क्वेश्चंस जो के जो आंसर है वो हमें ध्यान से ही मिल सकते हैं। पत्री सर ने सर से मुलाकात 2010 में हुई थी, और पत्री सर से सर की जो मुलाकात के बीच में जो उनकी सादगी है, उनको बहुत प्रभावित हुए। सर 500 से ज़्यादा वर्कशॉप करा चुके हैं। सर सुंदरम स्पीक्स के राइटर हैं, जो कि बेस्ट सेलर बुक रही है। यह बुक आपको अमेजोन पे आसानी से मिल जाएगी। सर पीएमसी हिंदी में आने वाले शो मृत्यु, सच्चित आनंद जैसे कई सारे शो में अपना योगदान और अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो मास्टर्स, हम सभी सर का स्वागत करते हैं मास्टर 105.0 की ज्ञान श्रृंखला में। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू विजय जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा आभार ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, थैंक यू सो मच। और आज हमारा 39th डे है हमारे मास्टर बनो 5.0 का, और खुशी है कि आप, बहुत सारे लोग शुरू करते हैं किसी चीज को, पर कुछ ही जो जिज्ञासु होते हैं उसको अंत तक लेकर जा पाते हैं। और मुझे खुशी है कि आप में से बहुत सारे लोग वो हैं जो इसको शुरुआत से अंत तक अपने साथ जुड़े हुए हैं, और आप खुद भी देख सकते हैं कि 40 दिन पहले आप क्या थे और 40 दिन बाद आप क्या हैं। तो इस क्षण तक पहुंचने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो चलिए, आज का हम ज्ञान सत्र शुरू करेंगे। आज का जो लास्ट मास्टर बनो का लास्ट जो ज्ञान सत्र है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज जिस चीज पर हम बात करेंगे वो है एस्ट्रल ट्रैवल, और लोपसंग रामपा की एक बुक है जिसको हम कहते हैं यू फॉर एवर। ये बहुत ही प्रसिद्ध बुक है,
और इसके बारे में बहुत सारी चर्चा पत्री जी ने भी अपने कोर्सेज में, अपनी सेशंस में और नॉर्मल लाइफ में भी, अगर सर को कोई अगर पूछता कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, मुझे ये समझना है, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में समझना है, तो सर हमेशा ये बुक बहुत रेकमेंड करते थे, यू फॉरएवर। और बहुत पुरानी बुक लिखी गई है, मैं कहूँगा कि 1950s की ये बुक लिखी गई है, पर हाँ इसमें जो ज्ञान है, जो बातें समझने की हैं, वो आज भी हमारे लिए कहीं ना कहीं लागू होती है, क्योंकि ये बुक कहीं ना कहीं हमें बताती है कि हम कैसे मल्टी डायमेंशनल हैं, अर्थात कि हम कैसे एक शरीर में नहीं है, हम बहुत सारी डायमेंशन में एक समय पे मौजूद है, बहुआयामी जैसे हम कह सकते हैं, हम ऐसे ऐसी सृष्टि में इस प्रकार के व्यक्ति हैं, इस प्रकार का हमारा जो हमारा सत्य है वो ये है, मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है। तो जो ये लोबसांग रामपा की बुक है, इसको लिखने से पहले कि अगर मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं कि लोबसांग रामपा कैसे किस प्रकार से बने, पहले वो एक तरह के प्लम्बर थे जिनका नाम साइरिल हॉस्किन था, और इंग्लैंड में रहने वाले, डेनवर शायर में रहने वाले थे, और नॉर्मल जैसे व्यक्ति होते हैं उस तरीके से ही थे, और फोटोग्राफी करते थे। एक समय फोटोग्राफी करते हुए एक उल्लू को, उसकी फोटोग्राफी करते हुए, उसको कहीं ना कहीं उसकी तस्वीर खींचते हुए वो पेड़ से गिर गए। जब वो पेड़ से गिरे तो वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस हो गए, और उस स्टेट में वो आउट ऑफ बॉडी पहुंच गए, अपने शरीर से बाहर पहुंचे, और उस समय में उनको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हुआ कि एक एक जैसे एक लामा, जो तिब्बतन लामा होते हैं, उनको कह रहे हैं कि क्योंकि तुम अपने शरीर में कोई मीनिंग नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लाइफ ऐसे ही चल रहा है और तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हारे शरीर का जो हिस्सा है उसको ले सकता हूँ, मैं तुम्हारे शरीर को यूज कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार से लोबसांग रामपा बने, साइरिल हॉस्किन से लोबसांग रामपा का जो रूपांतरण हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो हुआ। और उसके बाद लोबसांग रामपा ने बहुत सारी बुक्स लिखी, लगभग 20 के करीब बुक्स उन्होंने स्पिरिचुअलिटी, कर्मा, री इंकारनेशन, और भी अपनी भी लाइफ की जो जर्नी है, जैसे थर्ड आई एक्सपीरियंस, उन्होंने जो थर्ड आई बुक लिखी है उसके अंदर उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखनी शुरू करी। तो आज उनकी जो बुक है यू फॉरएवर, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं तुम शाश्वत हो, इसका अनुवाद भी, यू फॉरएवर का इंग्लिश का अनुवाद भी हिंदी में किया गया है, उसका नाम है तुम शाश्वत हो। और हमारे ही कुटुंब में से अगर मैं कहूँ, नीता भोजवानी जी हैं जिन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया है, और ये बुक बहुत सारी चीजों के बारे में बात करती है, जैसे कि एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, कि क्या एस्ट्रल ट्रैवल है, क्या कैसे आप एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन को एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्या आपको हिदायतें लेनी चाहिए, क्या आपके लिए गाइडलाइंस, निर्देश है, और आउट ऑफ बॉडी क्या होता है, कैसे उसकी एक टेक्निक आपको समझाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा इस किताब में री इंकारनेशन और कर्मा पर भी बहुत बात की गई है, कि जो हमारा पुनर्जन्म है और हमारा कर्म सिद्धांत कैसे हमारे पुनर्जन्म और पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, उस पर भी बहुत सारी चर्चा की गई है। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअल इंसाइट्स लोबसांग रामपा के खुद की जो पर्सनल उनकी अनुभूतियां हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है। और एक चीज, जैसे कि हम कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं कि हम बाहर से कोई चीज, जैसे बाहर जाके एक कंज्यूमर की तरह कोई चीज खरीदते हैं और फिर उसमें खुशी हासिल करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जो चीज खरीदी होती है उससे हमारी खुशी जो होती है कहीं ना कहीं कम होने लगती है, जैसे आज एक लेटेस्ट मोबाइल फोन ले लिया उससे हमें बहुत खुशी होगी, पर वही मोबाइल फोन एक महीने के बाद हमें उतनी खुशी नहीं देगा जितनी खुशी उसे खरीदने पे हुई थी। तो इस कंज्यूमरिज्म की बात की गई है, और ये भी बताया गया है कि हम अपनी खुशी को बाहर नहीं ढूंढ सकते, अपनी खुशी को अंदर ढूंढ के ही हमें कहीं ना कहीं संतोष मिलेगा।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें इस किताब में, लोबसांग ग्रामपा की इस किताब में, यू फॉरएवर में कहीं ना कहीं वर्णित की गई। पर आज जिस चीज पर हम चर्चा करेंगे वो है एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, क्योंकि इस चीज के बारे में बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं कि हम एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एस्ट्रल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पर हमें होता नहीं है। और बहुत सारी भ्रांतियां भी इस चीज को लेकर, एस्ट्रल ट्रैवल को लेकर हमारे कहीं इर्द गिर्द मौजूद है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उन भ्रांतियों का खंडन करें, उनको समझें, और एस्ट्रल ट्रैवल वास्तव में कैसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको भी कहीं ना कहीं समझें। तो दोस्तों, अगर मुझे आपको बेसिक स्तर पर पूछना हो कि एस्ट्रल ट्रैवल जो है एक नई चीज नहीं है, मैं कहूं कि अध्यात्म जगत का एक बहुत ही न्यू टॉपिक है, वेरी इन टॉपिक है, ऐसा नहीं है। आप सब भी ऐसे एक एस्ट्रल ट्रैवलर को जानते हैं और उसकी बहुत सारी कहानियां भी आप सुन चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसी उनकी हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है और मस्ती वाली कहानियां भी सुनी है उनकी। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बहुत सारे लोगों की यात्रा करता रहा है, एस्ट्रली इधर से उधर जाता रहा है? वेरी गुड हनुमान जी, बहुत सुंदर। और किसकी आप बात करना चाहते हैं? हनुमान जी एक हैं, और बताइए, और आपको कौन लगता है कि? वेरी गुड, नारद जी, देव ऋषि नारद जी। क्योंकि नारद जी की हम बात ही जब करते हैं तो हम कहते हैं कि वो एक लोक से दूसरे लोक जाते रहते हैं, वो विष्णु लोक से कभी ब्रह्म लोक जाते हैं, ब्रह्म लोक से फिर भूलोक पर भी आते हैं, स्वहलोक यानी कि हमारा जो स्वर्ग लोक है वहां भी जाते हैं। किसी भी लोक में वो चाहें यात्रा कर सकते हैं। तो नारद जी का बहुत सारा जो हमारा व्याख्यान है वो बताता है कि वो कहीं ना कहीं एस्ट्रली ट्रैवल करते हैं। और ना ही केवल नारद जी, हमारे ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि, ऐसे बहुत सारे हमारे ऋषियों का, महात्माओं का नाम रह चुका है हमारे शास्त्रों में, जिन्होंने बताया कि ध्यान के माध्यम से कभी वो विष्णु जी से विष्णु लोक मिलने गए, वैकुंठपुरी गए, कैलाशपुरी गए भगवान शिव से मिलने के लिए। तो ये सब कैसे होता है दोस्तों? ये इस तरह से होता है कि आप अपने सूक्ष्म शरीर से उस जगह का कहीं ना कहीं उस जगह पर पहुंचते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है? तो एस्ट्रल ट्रैवल को अगर दोस्तों समझना हो तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे भी जो शरीर है वो कई भागों में बटा हुआ है। हमें लगता है कि हमारा फिजिकल बॉडी है, पर हम केवल फिजिकल बॉडी नहीं है, हम स्थूल शरीर नहीं है। क्योंकि अगर हम स्थूल शरीर खुद को समझते हैं तो हम अपनी ही सीमाओं को बना रहे हैं, हम अपने आप को ही बाधित कर रहे हैं। और जो अपना एक शक्तिशाली स्वरूप स्वरूप है उसको कहीं ना कहीं किसी छोटे दायरे में बांध रहे हैं। हम फिजिकल बॉडी तो है ही, जिसको हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं, ग्रॉस शरीर कह सकते हैं हमारा स्थूल शरीर, पर इसके अलावा हम सूक्ष्म शरीर भी हैं, अर्थात एस्ट्रल बॉडी भी है। एस्ट्रल बॉडी क्या होती है दोस्तों? जिसका शरीर इस प्रकार नहीं होता जैसे आपका ठोस अड मास का शरीर है जिसमें रक्त का प्रभाव बह रहा है, जिसमें हड्डियां हैं, आपके मसल्स हैं, ये वो वाला शरीर नहीं है। ये आपका ऊर्जावान शरीर, जिसे हम सूक्ष्म तत्व कहते हैं, जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, पर इस आंख से कहीं ना कहीं अनुभव किया जा सकता है। और सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली कहा जाता है, यानी कि उसकी शक्ति हमारे स्थूल शरीर से कहीं ना कहीं कितनी ही, मैं कहूं कि 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना उससे ज्यादा है। तो अगर किसी का सूक्ष्म शरीर ठीक नहीं है तो उसी अवस्था को वो धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर में लेकर आता है। हमारी जो सारी वासनाएं होती हैं, हमारी वृत्तियां होती हैं, हमारे पास्ट लाइफ बैगेजेस होते हैं, हमारे लाइफ लेसन होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सूक्ष्म शरीर में खड़े होते हैं, इसके अंतर्गत हमारे रखे जाते हैं। तो अगर हमारे पास सूक्ष्म शरीर है तो
तो एक सूक्ष्म आयाम भी है, एक एस्ट्रल डायमेंशन भी है उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि जैसे हमारे पास फिजिकल बॉडी है तो हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे पास एस्ट्रल बॉडी है तो हमारे पास एस्ट्रल वर्ल्ड भी है एक्सपीरियंस कर। हम एस्ट्रल ट्रेवल में क्या करते हैं, अपने एस्ट्रल बॉडी के माध्यम से, अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उन सूक्ष्म आयामों का कहीं ना कहीं ब्यौरा, विजिट, उस चीज को समझने का प्रयास कर। अगर मुझे नॉर्मली आपको कहना हो, हम सब कहीं ना कहीं एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, हम सब करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे जीवन का एक तिहाई हिस्सा हम सोते हैं, जैसे एक दिन में 24 घंटे हैं तो लगभग 7 से 8, 6 से 8 घंटे हम सब सोते हैं। आप कह सकते हैं कि एक तिहाई हिस्सा हम सोने में व्यतीत करते हैं। तो जो व्यक्ति सोता है कहीं ना कहीं वो अपने आप को एस्ट्रल डायमेंशन के लिए, उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए कहीं ना कहीं ओपन करता है। और हम सब कहीं ना कहीं किसी किसी अवस्था में, भले ही थोड़ी अवस्था हो, ज्यादा अवस्था हो, हम इन्हीं अवस्थाओं में उस एस्ट्रल डायमेंशन को कहीं ना कहीं। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जब ध्यान करते हैं तब भी एस्ट्रल डायमेंशंस को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल दोस्तों दो तरह के होते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल अगर मुझे एक आपको परिभाषा में बताना हो तो मैं कह सकता हूं कि जब आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, आप अपने फिजिकल शरीर से अपने आप को बाहर लेकर जाकर, एस्ट्रली बाहर लेकर जाकर आप एस्ट्रल डायमेंशन का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपको एक मुझे एक एग्जाम्पल से समझाना हो, आपने महाविष्णु की एक फोटो देखी होगी जहां पे भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं और उनकी नाभि में से भगवान ब्रह्मा एक कमल पर बैठे। आप सबने इस फोटो को देखा हो, पर ये फोटो हमें क्या बताती है, ये फोटो हमें कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी और हमारी एस्ट्रल बॉडी का कहीं ना कहीं कनेक्शन बताती है। यानी कि भगवान विष्णु जो है यहाँ पे फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं और भगवान ब्रह्मा जो उनकी नाभि में से जो कमल निकल रहा है उस पर बैठे हुए हैं, ये हमारी एस्ट्रल बॉडी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो भगवान विष्णु क्या है, फिजिकल स्टेट के अधिपति हैं। हम कहते हैं ना कि एक हमारा निर्माण करता है, एक हमारा जो हमारा संरक्षण करता है, और एक सारा विनाश करने में शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, हम इन तीनों को इन्हीं कहीं ना कहीं कैटेगरीज में टाइपिफाई करते हैं। तो सृष्टि का कल्याण कौन करता है, सृष्टि का पालन पोषण कौन करता है, आपकी सृष्टि का पालन पोषण कौन करता है, आपकी सृष्टि का कल्याण आप कैसे कर पाते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी से, क्योंकि इस फिजिकल बॉडी से ही आप फिजिकल वर्ल्ड में चल सकते हैं। तो इसको हम कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के साथ जोड़, और हमारी एस्ट्रल बॉडी जो एक सूक्ष्म तत्व है, जो एक क्रिएटिव सेल्फ है, जिसमें अगर आपको फिजिकल बॉडी में कुछ क्रिएट करना है, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ क्रिएट करना है, पहले आप एस्ट्रल वर्ल्ड में एस्ट्रल टेम्पलेट बनाते। जैसे मैं कहूं, किसी व्यक्ति ने सोचा होगा ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि जहां पे आपको टेलीफोन से बात ना करनी पड़े, पर आप भले ही तार से ना जुड़े हो, पर आप कहीं भी हो एक ऐसे उपकरण से आप बात कर पाए कि आप अपने कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं बांट पाए। तो ऐसा उसने पहले एस्ट्रली मोबाइल के बारे में सोचा, एक ऐसे उपकरण के बारे में सोचा, फिर फिजिकल वर्ल्ड में उस उपकरण का आना। तो यहाँ पे एस्ट्रल टेम्पलेट जो नाभि में से निकल रहे हैं भगवान ब्रह्मा है, वो हमारे एस्ट्रल टेम्पलेट का कहीं ना कहीं रूप है। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो कमल दिखाया जाता है वो कमल और कुछ नहीं दोस्तों, इसको हम सिल्वर कॉर्ड कहते हैं, जैसे कह सकते हैं एक चांदी की तार। आप सब पतंग की एक एक उदाहरण लीजिए, हम सब बचपन में कहीं ना कहीं अगर पतंग उड़ाई है या हमने किसी को पतंग उड़ाते हुए देखा हो तो क्या करते हैं, डोर से हम पतंग को आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं, और जब हमारा पतंग उड़ना खत्म हो जाता है, हम थक जाते हैं या हमने सोच लिया कि अब हो गया, तो हम डोर से ही
उसी पतंग को अपने अंदर वापिस खींच लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे फिजिकल बॉडी से एक तार के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इस डोर को हम कहते हैं सिल्वर कॉर्ड। तो यही सिल्वर कॉर्ड से हम बाहर जाते हैं और जब अपना सारा भ्रमण कर लेते हैं, अपने सारे इंसाइट्स ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने शरीर में कहीं ना कहीं वापस आ जाते हैं। तो इस को हम कहते हैं सिल्वर कॉर्ड। हर व्यक्ति का फिजिकल शरीर, हर व्यक्ति का एस्ट्रल शरीर और हर व्यक्ति का सिल्वर कॉर्ड होता ही है। इसी से ही हम एस्ट्रल ट्रैवल को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं। अब बहुत बार देखा गया है एस्ट्रल ट्रैवल को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। हम एक जो बेसिक मिथ हम लोगों से सुनते हैं कि अगर मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया और मैं वापस से अपने शरीर में नहीं आ पाया तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि आप अपने शरीर में वापस ना आ पाए। क्यों? क्योंकि आप अपने फिजिकल शरीर से अपनी सिल्वर कॉर्ड से बंधे हुए हैं। जैसे पतंग की डोर पतंग उड़ाने वाले के हाथ में है, ठीक उसी प्रकार से आपके एस्ट्रल बॉडी की सिल्वर कॉर्ड आपकी फिजिकल बॉडी के हाथ में। और जैसे ही कोई ऐसा फियरफुल स्टेट बनता है या हमें लगता है कि अब हमने एस्ट्रल ट्रेवल कर लिया, तो फिजिकल बॉडी अपने आप ही सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से आपके एस्ट्रल शरीर को अपने अंदर खींच लेती है। और ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट भी लगेंगे इस शरीर को अपने शरीर के अंदर खींचने के लिए, ऐसा नहीं लगता। ये झटपट काम होता है। नैनो सेकेंड्स में आपका फिजिकल बॉडी आपके एस्ट्रल बॉडी को झट से आपके शरीर के अंदर खींच लेता है। तो ये तो रही कहीं ना कहीं एक भ्रांति की बात। और दूसरी भ्रांति जो हमने देखा है, लोग समझते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल कहीं ना कहीं इमेजिनेशन है। तो दोस्तों एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल वर्ल्ड्स इमेजिनेशन नहीं है। हमें इमेजिनेशन ये इसलिए लगते हैं क्योंकि ये हमारी दो आंखों से, जो हमारी भौतिक आंखों हैं, आंखें हैं, हम इनसे इनको अनुभव नहीं करते। हम इसको अपने कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म नेत्र है, हमारा तीसरा नेत्र है, हम इसे वहां से अनुभव करते। देखिए रात को आप सोते हैं, मैंने रात को सोने की बात करी और कहा कि आप रात को सोते हुए एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो रात को तो ये आंखें बंद हैं, पर कैसे आप एस्ट्रल ट्रैवल को कर रहे हैं? इस आंख के माध्यम से। आप ड्रीम्स भी लेते हैं, कैसे लेते हैं? आपकी ये आंखें तो बंद हैं। आप ड्रीम्स लेते हैं अपनी अंतर्दृष्टि से, इस दृष्टि से आपको कहीं ना कहीं ड्रीम्स का अनुभव होता है। और एस्ट्रल ट्रैवल भी, क्योंकि ये आंखें बंद हैं, हमारी भौतिक आंखें बंद हैं, पर ये वाला नेत्र से हम एस्ट्रल ट्रैवल को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं। और एक और भ्रांति जो सुनने में आती है वो ये आती है कि अगर मेरे शरीर को किसी ने वश में कर लिया, अगर मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा हूं, तो देखिए दोस्तों हमारा जो एस्ट्रल वर्ल्ड होता है हमारे थॉट वर्ल्ड से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। जैसे कि जैसी मेरी विचारों की स्थिति है, हमारा एस्ट्रल प्लेन वैसा ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे विचारों में बहुत सारी नेगेटिविटी है, मेरे विचारों में बहुत सारा फियर है, तो मैं ऐसे ही एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल वर्ल्ड मैं खींचता जाऊंगा जहां पे मुझे नेगेटिविटी दिखेगी, जहां पे मेरे फियर को बढ़ावा मिलेगा। तो जितना हमारे थॉट्स का सफाई होगा, जितना हमारे थॉट्स प्योर होंगे, क्लियर होंगे, जितना हम फियर लेस होंगे, उतना ही हमारा एस्ट्रल डायमेंशन हायर डायमेंशंस हो। क्योंकि एस्ट्रल लेवल की भी, एस्ट्रल ट्रैवल के लिए भी बहुत सारी डायमेंशंस की लेयर्स हैं दोस्तों। आप अपनी कॉन्शियसनेस, जैसी कॉन्शियसनेस आप होंगे वैसे ही एस्ट्रल डायमेंशन में आप खींचते चले जाते हैं। तो जितनी आप अपनी सफाई करेंगे उतना ही आप एक अच्छे आयाम में पहुंचेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? लोग एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हैं पर अपनी सफाई नहीं करना चाहते, अपने विचारों का शुद्धिकरण नहीं करना चाहते, अपने नाड़ी मंडल की शुद्धि नहीं करना चाहते, फिर हमें एस्ट्रल ट्रैवल में दिक्कत आएगी ही आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल का सबसे सेफ टेक्निक जो है वो ये है कि आप अपने ध्यान को इंटेंसिफाई करें, आप अपने ध्यान को बढ़ाएं। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। अगर कोई व्यक्ति 3 घंटे
40 दिन के लिए ध्यान करता है, तो आप देखेंगे इन 40 दिनों में कहीं ना कहीं वो एस्ट्रल ट्रैवल को एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। ये एक बेसिक हम कह सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे ध्यान करने से क्या होता है, आप अपना अंतकर्ण की शुद्धि करते हैं, अपना मनस बुद्धि चित्त अहंकार इन सब की शुद्धि करते हैं जो आपका अंतःकरण है, और ये इन सब चीजों की शुद्धि होगी तो आपके विचारों की शुद्धि ऑटोमेटिकली होगी, आप फियरलेस बनेंगे, और जो व्यक्ति फियरलेस होगा उसको ऑटोमेटिकली एस्ट्रल डायमेंशंस में हायर बीइंग्स की तरफ अट्रैक्शन होगा, वो उनसे मिलेगा, वो उनसे कहीं ना कहीं कुछ चीजें सीखेगा। तो ये तो रही हमारी भ्रांतियों की बात। और एस्ट्रल ट्रैवल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जो अपने आप हो जाता है, जिसकी हमने बात करी है कि हम रात को सोते हैं और अपने आप ही एकदम से एस्ट्रल ट्रैवल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। कैसे होता है? कभी कभी अगर उनकी बॉडी में एकदम से शॉक आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का एकदम से अगर एक्सीडेंट हो जाए, तो उनका जो सूक्ष्म शरीर होता है एकदम से उनके शरीर में से बाहर निकल जाता है और फिर अंदर भी आ जाता है। हमारे कई नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के नीचे भी लेते हैं। और इसके अलावा कभी कभी अगर किसी ने एनेस्थीसिया लिया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आरसीटी कराई हो, तो जैसे ही डॉक्टर आपको आरसीटी के लिए एनेस्थीसिया आपके दांत के अंदर देता है, तो कभी कभी लोगों को आउट ऑफ बॉडी वहां पे भी एक्सपीरियंस होता है। तो एस्ट्रल ट्रैवल एक आउट ऑफ बॉडी जाने का एक एक्सपीरियंस कहा जाता है, क्योंकि आप अपने फिजिकल शरीर से बाहर निकल कर आप अपने एस्ट्रल डायमेंशंस में जाते हैं और वापस से फिर अपने शरीर में आ जाते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल हमें एक तो इस स्पॉन्टेनियस तरीके से होता है, एक होता है कंट्रोल्ड तरीके से, जहां आप एक परिस्थिति बनाते हैं जहां पे आप अपने लिए एक एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये किया जाता है जैसे कि मैंने पहले बताया मेडिटेशन से, और भी मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगा, पर मेडिटेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि अगर मेडिटेशन कोई व्यक्ति करता है तो वो एस्ट्रल ट्रैवल को कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली अपने जीवन में होता है। हम बाकी टेक्निक्स की थोड़ी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि एस्ट्रल ट्रैवल करने से होता क्या है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमें एस्ट्रल ट्रैवल कैसे हमारी प्रगति में सहायक होता है। तो देखिए दोस्तों, एस्ट्रल ट्रैवल सबसे पहले जिस चीज में हमें सहायता करता है कि हमें ये समझने में प्रयास करता है कि हम फिजिकल डायमेंशन से भी आगे और भी डायमेंशन हैं, क्योंकि हमें लिखता है कि जो दिखता है जो सुनता है वही सत्य है, पर ऐसा नहीं होता। हमारे एस्ट्रल डायमेंशंस हमारे फिजिकल बॉडी से बहुत ज्यादा आगे हैं। तो जब हम एस्ट्रली अपने आप को उन डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं, तब हमें पता चलता है कि फिजिकल वर्ल्ड से ऊपर भी बहुत सारे वर्ल्ड हैं, बहुत सारे आयाम हैं, और उनकी जो व्यवस्था है वो बहुत सुचारू रूप से चल रही है, पर वो बिल्कुल डिफरेंट है जैसे हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एस्ट्रल वर्ल्ड्स हैं जहाँ पे खाना नहीं है, वहाँ पे लोग खाना नहीं खाते हैं, पर हमारे फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, क्योंकि हम अपने अन्नमय कोष को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, अन्नमय कोष से जुड़े हुए हैं, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिकल बॉडी फिजिकल वर्ल्ड के लिए, पर क्योंकि वहां पे फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल बॉडी नहीं है तो खाना भी नहीं है, तो एस्ट्रल बॉडी का ध्यान रखने के लिए वो एस्ट्रली ही बहुत सारी एनर्जी एकत्रित करते हैं। और एस्ट्रल डायमेंशंस के अलावा अगर मैं कहूँ इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, वो है गेनिंग हायर विजडम। अब बहुत सारी विजडम हम इनडायरेक्ट सोर्सेस से लेते हैं दोस्तों, जैसे कि किताबें पढ़ के लेते हैं, जैसे किसी के अनुभव से सीखते हैं, पर अगर आपको डायरेक्ट नॉलेज लेना है तो डायरेक्ट नॉलेज लोग कैसे लेते हैं, ध्यान करते हैं, अपने एक्सपीरियंस में खुद उतरते हैं, अपने ज्ञान को अपनी नॉलेज को कहीं ना कहीं विजडम में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और दूसरा जब वो एस्ट्रली एक्सपीरियंस करते हैं, जब वो खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं फिजिकल बॉडी के माध्यम से नहीं पर एस्ट्रल बॉडी के माध्यम से, तो ये भी उनको एक्सपीरियंस
हेल्प करता है डायरेक्ट नॉलेज लेने के लिए, ऐसी नॉलेज लेने के लिए जो नॉलेज अभी तक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नहीं की गई है। मुझे याद है एक बारी पत्री जी ने हमें बताया था कि बहुत सारी डायमेंशंस जो हैं, उनके जो प्लैनेट्स हैं वो सारे पिरामिडल स्ट्रक्चर्स हैं, पिरामिड्स की स्ट्रक्चर्स में है। सिर्फ यही हमारा सोलर सिस्टम है जहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर्स एक गेंद के आकार में दिखाई जाते। तो देखिए ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है, जब आप खुद ही डायरेक्ट एक्सपीरियंस उन एस्ट्रल ट्रेवल्स के माध्यम से अपने लिए ले। तो ये तो दूसरा हमारा बेनिफिट रहा कि जहां पे आप डायरेक्ट लर्निंग एस्ट्रल ट्रेवल में खुद कर डायरेक्ट सीखते हैं एस्ट्रल ट्रेवल के माध्यम से। और तीसरा क्या हो सकता है, आप अपनी पास्ट लाइफ्स का एक्सपीरियंस भी करते हैं अपने एस्ट्रल ट्रेवल के माध्यम से, क्योंकि जब आप अपने फिजिकल बॉडी से बाहर निकलते हैं तो आप मल्टी डायमेंशनल होते हैं दोस्त। मल्टी डायमेंशनल होने का मतलब कि आप टाइम एंड स्पेस में फ्रीली मूव कर सकते हैं। हमारा फिजिकल बॉडी जो है एक समय के अंतर्गत बना हुआ है, एक स्पेस के अंदर बना हुआ है, पर हमारा एस्ट्रल बॉडी टाइम और स्पेस की इस लिमिट से थोड़ा बाहर है। लिमिट उस पर भी है पर ऐसी लिमिट नहीं है जैसे फिजिकल बॉडी में, तो उसके लिए फ्रीडम थोड़ी ज्यादा है। तो जब थोड़ा फ्रीडम ज्यादा होगा तो आपका आना जाना, आवागमन, आपकी टाइमलाइन पर आपको घूमना थोड़ा आसान है। तो लोग पास्ट लाइफ्स का भी एक्सपीरियंस करते हैं अपनी एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से। और पास्ट लाइफ्स का एक्सपीरियंस करना यानी कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखना, ये सीखना कि पास्ट लाइफ में मेरा क्या लेसन था जो इनकम्प्लीट है या जिसको मैं इम्प्रोवाइज करने के लिए इस लाइफ टाइम में लेकर आया हूँ, तो ऐसी चीजों को कहीं ना कहीं अपने साथ एकत्रित कर। तीसरा ये, चौथा हो सकता है अगर आप पास्ट का भी एक्सपीरियंस करते हैं तो अपनी फ्यूचर सेल्फ का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यानी कि टाइम में अब आगे जाना, टाइम एंड स्पेस में आगे जाना और अपनी फ्यूचर सेल्फ से इंटरेक्शन करना, उससे गाइडेंस लेना कि मेरे को अपने प्रेजेंट लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए, बढ़िया तरीके से चलाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ताकि फ्यूचर सेल्फ की जो नॉलेज है वो मेरे में फ्यूचर में ना जाकर इसी समय में कहीं ना कहीं आने लगे। तो अपनी फ्यूचर सेल्फ से भी इंटरेक्शन कर। और फिफ्थ जिसे हम कह सकते हैं कि अपने हायर बीइंग्स, अपनी हायर सेल्फ, अपने गाइड्स, अपने मास्टर्स जो हमारी नॉन फिजिकल गाइड्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं वार्तालाप कर। तो ऐसी चीजें भी हम कहीं ना कहीं एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से, क्योंकि हम उन प्लेन्स में जाते हैं जहाँ पे नॉन फिजिकल बीइंग्स जो हमें डायरेक्ट हमारे जो टीचर्स हैं, नॉन फिजिकल रियलिटी की टीचर्स हैं, उनसे हम कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनसे बहुत सारा ज्ञान अपने लिए लेकर आ सकते हैं। तो एक तो ये, और इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल हमें हेल्प करता है हमारे डेथ के फियर को कहीं ना कहीं डिजॉल्व करने के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डेथ का एक्सपीरियंस हमें बहुत सारा फियर क्रिएट करता है। हमें लगता है कि मृत्यु के बाद पता नहीं क्या होगा, मैं कहाँ होऊंगा, मेरे साथ क्या होगा। तो एस्ट्रल ट्रैवल, क्योंकि आप अपने शरीर से बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी से बाहर जाते हैं और फिजिकल बॉडी में फिर से आ जाते हैं, तो एस्ट्रल ट्रैवल कहीं ना कहीं हमें ये भी बताता है कि मैं अगर शरीर के बाहर जाता हूँ तब भी मैं ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मेरे साथ कोई ट्रबल नहीं है, और शरीर के बाहर जाने के बाद भी मैं जिंदा हूं। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि शरीर के बाहर जाना यानी कि मृत्यु हो जाना, मृत्यु और एस्ट्रल ट्रैवल में दोस्तों क्या अंतर है? एस्ट्रल ट्रैवल में क्या होता है, आप जब अपने फिजिकल बॉडी से बाहर जाते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं एस्ट्रल बॉडी से, तब वापस आप अपने शरीर में अपनी सिल्वर कॉर्ड से वापस आ जाते हैं। पर मृत्यु में क्या होता है, जब आप अपने शरीर से बाहर जाते हैं तो आपका जो सिल्वर कॉर्ड है वो कट जाता है, ताकि आप अपने शरीर में, अपने फिजिकल बॉडी में फिर से वापस ना आ। केवल यही अंतर है कि एक में हमारा सिल्वर कॉर्ड इंटैक्ट रहता है, हमारा सिल्वर कॉर्ड हमारे साथ बना ही रहता है और तब तक बना रहेगा जब तक हमारा समय नहीं आया। जैसे हम कहते हैं ना, धरती पर हमारा मृत्यु का भी एक समय निर्धारित है, तब तक हमारा फिजिकल बॉडी एस्ट्रल बॉडी से जुड़ा रहता है सिल्वर कॉर्ड के। और डेथ क्या होती है, जब यही सिल्वर कॉर्ड स्नैप हो जाती है, टूट जाती है, काट दी जाती है,
और वापस से हम उस फिजिकल बॉडी में नहीं आ सकते, इसको हम डेथ कहते हैं। उसके बाहर भी हम जिंदा हैं, पर किसी और आयाम में जिंदा है, और आप उसी आयाम में जाएंगे जिस आयाम में आप मृत्यु से पहले रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति हायर कॉन्शियसनेस में रहता था, हाई वाइब्रेशन में रहता था अपनी फिजिकल बॉडी में, तो वो ऐसी ही वाइब्रेशन के प्लेन में जाएगा जहां पे मृत्यु के बाद वो वैसा ही एक्सपीरियंस करे। पर अगर कोई जीवन में अपने रहता है और बहुत द्वेष, निंदा, भय में रहता रहा है, तो ऐसे ही एक्सपीरियंस वो अपने लिए शरीर के बाहर अनुभव करेगा। तो इस तरीके का हमारा जो लाइफ और आफ्टर लाइफ का सिचुएशन है, वो दोनों जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मैं जीवन बहुत गलत तरीके से जीऊं और मेरे को एस्ट्रल ट्रेवल में या डेथ के बाद बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जैसे जीवन आप जीवन के अंदर जीते हैं, अपने शरीर के अंदर जीते हैं, वैसा ही जीवन आप शरीर के बाहर भी पाएंगे, भले ही वो एस्ट्रल ट्रेवल है, भले ही वो मृत्यु है। इसीलिए अपने प्रेजेंट लाइफ को सुधारिए, अपने प्रेजेंट लाइफ को अच्छे से जिए, खुशी से जिए, हाई वाइब्रेशन में जिए, ब्लेम, कंप्लेंट, गिल्ट में ना जिए, ताकि आपका बॉडी का प्योरिफिकेशन हो, आपका खुद का प्योरिफिकेशन हो, और आपके एक्सपीरियंसेस भी उसी स्टेट से। तो एक तो हम इस चीज को कह सकते हैं कि हमारा डेथ का जो फियर होता है वो हमारा कहीं ना कहीं शांत होता है। एक और बेनिफिट जो आपको मैं एस्ट्रल ट्रैवल का बता सकता हूँ, वो है डीप हीलिंग। कि आप अपने फिजिकल बॉडी से जब लोग बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे अनुभव हैं कि जब उनका एस्ट्रल ट्रैवल के अंदर एक सर्जरी जैसा, एक एस्ट्रल सर्जरी जिसे हम कह सकते हैं, कि एस्ट्रल मास्टर्स आके उनकी एस्ट्रल सर्जरी करते हैं और उनके फिजिकल बॉडी को कहीं ना कहीं हील कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम सुनते हैं दोस्तों, कि मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी पर मुझे एस्ट्रल ट्रैवल हुआ और कोई एस्ट्रल सर्जन आए, कोई एस्ट्रल डॉक्टर्स आए जिन्होंने मेरी बॉडी का, मेरी एस्ट्रल बॉडी का कहीं ना कहीं उपचार किया, हीलिंग करी, और जब मैं अपने शरीर में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, और फिर मेरा फिजिकल बॉडी भी धीरे धीरे उस एस्ट्रल टेम्पलेट को कहीं ना कहीं अपने अंदर स्थिर करने लगा और मेरा फिजिकल शरीर भी बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दोस्तों हम नियर डेथ के मामले में भी सुनते हैं। जैसे मैं अगर अपना आपको एक एस्ट्रल एक्सपीरियंस बताऊं, जो मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस था, मैं छोटा था, लगभग 11th स्टैंडर्ड में, मैं कह सकता हूँ 13-14 ईयर्स का था मैं। तो मैं और मेरा भाई खेल रहे थे, और खेलते खेलते जैसे लड़के लोग थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ा डिशुम डिशुम करते हैं, तो हम वैसे ही एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तो मस्ती करते हुए उसने मेरे गले को यहाँ से दबाया, मेरे एडम्स एप्पल को कहीं ना कहीं यहाँ से दबा दिया, और जब उसने दबाया तो मैं एकदम से अपने शरीर से बाहर निकल गया, और मुझे, मैंने अपने आप को ऊपर से देखा कि मैं अपने शरीर के बाहर हूँ और मेरा शरीर वहां लेटा हुआ, बेड पर लेटा हुआ है, और हमारे घर में एक गोदरेज की अलमीरा थी, तो मैंने अपने आप को देखा कि मैं एक गोदरेज की उस अलमीरा के ऊपर बैठा हुआ और मेरा शरीर नीचे मरा हुआ है। और फिर एकदम से आवाज आई कि जाओ वापस से अपने शरीर में जाओ, अभी तुम्हें वापस जाना है। तो उस समय फिर मैं अपने शरीर में वापस आ गया। तो ये लगभग मेरे ख्याल से जो ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, मैं 10 सेकंड भी नहीं कह सकता हूँ, पर ये एक्सपीरियंस बड़ा क्लियर है मेरे माइंड में कि ये कैसे आया और उस समय में मेरे साथ क्या हुआ। तो इस एक्सपीरियंस को होने से पहले और इस एक्सपीरियंस के होने के बाद की मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे को उस एक्सपीरियंस से पहले टॉन्सिलाइटिस थे दोस्तों, मेरी आवाज जो थी थोड़ी दबी हुई थी, और डॉक्टर्स मुझे कहते थे, मेरे पेरेंट्स को भी कहते थे कि इसको टॉन्सिलाइटिस हो गया है, आपको इसे ऑपरेट करवाना होगा। पर उस एक्सपीरियंस के बाद मेरा टॉन्सिलाइटिस बिल्कुल ठीक हो गया और मेरी आवाज भी बिल्कुल ठीक हो गई। और ना ही केवल इतना, उस एक्सपीरियंस से पहले मुझे बोलने में बहुत डर लगता था। अगर कोई मुझे कहते कि 10 लोगों के सामने बोलो, मैं बोल नहीं सकता था, मुझे थोड़ा डर लगता था। पर जैसे ही उस एक्सपीरियंस के बाद क्या हुआ, मेरे लाइफ में भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया कि उससे पहले स्कूल में मैंने कभी भी किसी डिबेट, डेक्लमेशन, पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, पर जैसे ही वो एक्सपीरियंस हुआ, मेरे अंदर खुद कॉन्फिडेंस बनने लगा कि मैं
पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मैं लोगों के सामने बोल सकता हूँ, पब्लिक अरिनाज में बोल सकता हूँ और इफेक्टिवली बोल सकता हूँ। तो ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं एक डीप हीलिंग का एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ, जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं आया। ना ही जिसने फिजिकली हमें हील करा, बट मेंटली इमोशनली भी मुझे हील करा। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों को भी होते हैं नो, जो ना कि केवल फिजिकल शरीर पर आपको हील करते हैं, पर मेंटली इमोशनली भी आपको कहीं ना कहीं हील करते हैं। तो ये तो हुई हमारे दोस्तों, जो एस्ट्रल ट्रैवल से हम क्या क्या अर्जित कर सकते हैं, उसके क्या क्या लाभ हैं, उनकी बात। अब अगर मुझे थोड़ी टेक्निक सी बात करनी हो कि हम कैसे एस्ट्रल ट्रैवल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले टेक्निक्स के बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि एस्ट्रल ट्रैवल अगर आप विदाउट एक्सपेक्टेशंस करें, अपने आप नेचुरली होने दें, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। मैं बहुत सारे लोगों से हमें प्रश्न आते हैं कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। आप ध्यान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको एस्ट्रल ट्रैवल हो। अगर आप इस इच्छा को छोड़ देंगे, तब आपको जरूर एस्ट्रल ट्रैवल होगा। तो इसीलिए लटके नहीं रहे इस चीज पर कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल हो, एस्ट्रल ट्रैवल हो। आपका मुख्य उद्देश्य एस्ट्रल ट्रैवल नहीं है, आपका मुख्य उद्देश्य ध्यान है, खुद को जानना है। जो व्यक्ति इस पर ध्यान रखेगा कि मुझे खुद को जानना है, ये बीच का पड़ाव है, एस्ट्रल ट्रैवल कहीं ना कहीं हो जाएगा, और एक बार नहीं बहुत बार होगा। और अगर आपको नींद में भी अनुभव होगा, तो आप उसके प्रति भी कहीं ना कहीं जागरूक रहे। तो एस्ट्रल ट्रैवल में आप किसको कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, देखिए एस्ट्रल ट्रैवल के बहुत सारी स्टेजेस होते हैं। आपके शरीर को सबसे पहले रिलैक्स होना जरूरी है। आप सोचें कि मैं रिलैक्स नहीं हूं और आपको एस्ट्रल ट्रैवल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपके शरीर को एक रिलैक्सेशन की अवस्था में जाना होगा, और मेडिटेशन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप प्ले करती है। जब तक आप मन से, शरीर से रिलैक्स नहीं होते, एक संतुलन में नहीं आते, एक दृष्टा भाव में नहीं आते, तब तक आप एस्ट्रल ट्रैवल को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं अब तक कर पाए हैं? क्योंकि ये वाला स्टेप आपने कहीं ना कहीं अभी तक पार नहीं किया। इसीलिए हम कहते हैं थोड़ा ज्यादा ध्यान करिए, 3 घंटे बैठिए। जो व्यक्ति 3 घंटे बैठेगा, उसका पहले 1-1.5 घंटे में अपने आप ही दिमाग शांत हो जाएगा, भले ही जितना मर्जी दिमाग चले, फिर अगले 1-1.5 घंटे में उसको कहीं ना कहीं इस एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें रिलैक्स करना, अपनी बॉडी को सीखना चाहिए। दूसरा क्या होता है, जैसे ही बॉडी रिलैक्स होनी शुरू होगी दोस्तों, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट होगा। वाइब्रेशन यानी कि जैसे चींटियां, जैसे झन जैसी हमारी बॉडी में एनर्जी मूव करती है, और वो वाइब्रेशन हमें अपने पूरे शरीर में महसूस हो सकती है, या हो सकता है हमारी सारी वाइब्रेशन इकट्ठा होकर हमारे नाभि क्षेत्र की तरफ आने लगे, कि हमारी जो सारी वाइब्रेशन है हमारे नाभि क्षेत्र की तरफ आने लगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि वाइब्रेशन अगर पैदा नहीं होगी, तो हमारा एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी से सेपरेट नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मुझे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना हो, अगर आपने अपनी कार में 1 लीटर पेट्रोल डाला है, तो क्या होगा, आप 1 किलोमीटर तक ही या 2 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। पर अगर आपने अपनी बॉडी में, अपने अपनी कार में 10 लीटर पेट्रोल डाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक जाके वापस आ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, हमारी वाइब्रेशन क्या है, हमारे शरीर की बॉडी में हमारी वाइब्रेशन क्या है, हमारी एनर्जी है, हमारी ऊर्जा है, हमारी बॉडी में कितनी ऊर्जा है, और वो कैसे बनेगी, जितना हम ध्यान करेंगे। यानी कि फर्स्ट स्टेप रिलैक्सेशन और हमारे मेडिटेशन प्रोसेस। जो व्यक्ति जितना मेडिटेशन करेगा, उतनी एनर्जी कंजर्वेशन करेगा। और एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होती है, हमारे रोज के दिनचर्या में हम कितनी बातें करते हैं, किसकी चुगली करते हैं, कितना विदाउट सेंस बात करते हैं, ये सारे हमारे एनर्जी ड्रेनिंग सिस्टम्स हैं। जो अपनी एनर्जी को बचाएगा, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा रहेगी, एनर्जी ज्यादा रहेगी तो बॉडी में वाइब्रेशन भी ज्यादा है। अब ज्यादा वाइब्रेशन यानी कि ज्यादा सेपरेशन और ज्यादा एक्सप्लोरेशन, कम वाइब्रेशन यानी कि निकले और वापस आ।
तो सेकंड स्टेज होती है हमारी वाइब्रेशन बॉडी, और फिर तीसरा स्टेप होता है सेपरेशन, हम कह सकते हैं कि हमारी अब इस अवस्था में क्या होती है, फिजिकल बॉडी से हमारी एस्ट्रल बॉडी एक सेफ सिस्टम में बाहर निकलती है, सेपरेशन क्रिएट कर। और चौथा एक्सप्लोरेशन, अब जब वो बॉडी बाहर आ गई है, अब इस स्टेट में वो अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करने का प्रयास करती है, यानी कि वो किसी से मिलने जा सकती है, हायर बीइंग्स से कनेक्ट करने जाती है, हायर प्लेन्स का एक्सप्लोरेशन करने जाती है, तो ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करती है। और एक्सप्लोर करने के बाद लास्ट स्टेज जो आती है जिसको होते हैं कमिंग बैक टू द बॉडी। इस समय में क्या होता है, जब फिजिकल बॉडी में एस्ट्रल बॉडी आती है तो एक जर्क छोड़ती है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा लोग सोते हुए थोड़ा झटका मारते हैं, ऐसे करते हैं। तो एस्ट्रल एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि उनका जिस जगह पे झटका आ रहा होता है वो शरीर का वो हिस्सा उसका एस्ट्रल टेम्पलेट कहीं ना कहीं वापस ला रहा होता है या उसको रिलीज कर रहा। तो जर्क जो आता है हमारी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में एस्ट्रल बॉडी को लाने के, तो इसकी स्टेजेस जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले रिलैक्सेशन होता है, फिर हमारा उसके बाद जो होता है हमारा, हम रिलैक्सेशन के बाद वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी में, सेपरेशन होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, और फिर कमिंग। और अगर अब मैं आपको थोड़ी सी अगर टेक्निक्स बताऊं, टेक्निक्स हो सकती हैं सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया मेडिटेशन, जो व्यक्ति ज्यादा मेडिटेट करेगा उसके लिए एस्ट्रल ट्रैवल को एक्सपीरियंस करने के चांसेस उतने ही ज्यादा। दूसरा, मेडिटेटिंग अंडर पिरामिड। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस ले चुका हूँ, उसके मेजर एक्सपीरियंसेस 80% ऑफ एक्सपीरियंसेस मुझे तब आए हैं जब मैंने पिरामिड के नीचे बैठ के मेडिटेट किया है। तो पिरामिड्स आपको हेल्प करते हैं एस्ट्रल टेम्पलेट को रिलीज करने के लिए और एस्ट्रल डायमेंशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए। आप ये कर सकते हैं कि ध्यान करें, 1 डेढ़ 2 घंटा ध्यान करें, पिरामिड के नीचे बैठें, फिर उसी पिरामिड के नीचे अब लेट जाएं, कॉन्शियस अवस्था में लेट जाएं, तब भी आप एस्ट्रल ट्रैवल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और बहुत हाई सक्सेस रेट है दोस्तों इस चीज में, आप बड़ी आसानी से इस चीज को, एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस क्या होता है कि कैसे आपको एक्सपीरियंस होता है कि आप उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं और लाइट की गति से फ्लाई कर रहे हैं, आप इस चीज को बाखूबी अनुभव कर। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता। फिर इसके बाद अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक तरीका होता है आप अपने आप को नींद में पकड़। नींद में पकड़ने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम सोए, जैसे रात को लोग क्या करते हैं, थोड़ा लघु शंका के लिए जाते हैं, थोड़ा वॉशरूम के लिए जाते हैं, उठकर वॉशरूम जाएं और फिर वापस से अपनी जगह पर लेट जाते हैं। अब जब आप लेटें तो थोड़े जागरूक रहे, सोने में ना जाए, थोड़े जागरूक रहे, स्लीप लाइक स्टेट में बने, क्योंकि आपका शरीर उस समय में रिलैक्स्ड है, थोड़ा सीधा लेटे और बिना डिस्ट्रैक्शंस के लेटे। ऐसा नहीं हो कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आसपास कुछ चल रहा है, आपको कोई हिला रहा है, तो ऐसे एस्ट्रल ट्रैवल नहीं। आपका जो थोड़ा वातावरण है वो थोड़ा रिलैक्स्ड होना चाहिए, आप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस होने चाहिए, तो ये टेक्निक के माध्यम से भी आप एस्ट्रल ट्रैवल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उठे और फिर उठकर फिर से सो जाए। सोने का मतलब उस स्लीप लाइक स्टेट को मेंटेन करके रखें, सोए नहीं, सोने वाली अवस्था को मेंटेन करके रखें, एस्ट्रल ट्रैवल को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसके अलावा एक टेक्निक होती है, अपने आप को रिलैक्स होने दें और अपने आप को फिर 6 फिट दूर खड़ा हुआ महसूस करें। जैसे 6 फिट दूर खड़ा हुआ महसूस करने का मतलब है कि अपनी फिजिकल बॉडी से अपने आप को 6 फिट दूर खड़ा हुआ, यानी कि ऊपर अपने आप को देख सकते हैं कि मैं देखूं कि मेरा, मैं अपने आप को 6 फीट यहाँ से दूर महसूस कर रहा हूँ। 6 फीट दूर महसूस करने का मतलब कि अब मैं हवा में जो शरीर है जो 6 फुट दूर है, अब मैं वो हूँ और वहां से मैं अपने आप को फिजिकल बॉडी में देख रहा हूँ। ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, तो आप इसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अपने आप को उस
एस्ट्रल टेम्पलेट से जोड़े और वहां से अपने आप को अपने शरीर में लेटा हुआ कहीं ना कहीं महसूस करता है। तो एक टेक्निक ये है। और टेक्निक अगर मुझे बताना हो तो होता है कि आप अपने शरीर को, शरीर के बहुत सारे हिस्सों को धीरे धीरे सेपरेट करना शुरू करें। ये थोड़ी एडवांस टेक्निक्स हैं, पर एक्सप्लोर करने से आप इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रिलैक्स स्टेट में बैठा हूँ, तो इस स्टेट में हम क्या करते हैं, हम अब मेरे हाथ, फिजिकल हाथ जैसे मैंने नीचे रखे हूँ, मैं रिलैक्स स्टेट के बाद थोड़े देर के बाद, मतलब कि रिलैक्स होने के बाद, 1-1.5 घंटा रिलैक्स होने के बाद, अब मैं अलाउ करूंगा कि मेरा फिजिकल शरीर हाथ ना उठे पर मेरा एस्ट्रल हाथ उठे। यानी कि इस फिजिकल बॉडी में से मेरा एस्ट्रल हाथ उठ रहा है। पहले मेरा एस्ट्रल हाथ उठेगा, पहले लेफ्ट उठेगा, फिर राइट उठेगा, फिर थोड़ा मेरा पाँव उठेगा, लेफ्ट पाँव, फिर मेरा राइट पाँव उठेगा, और धीरे धीरे पूरी मेरी बॉडी सेपरेट हो सके। तो ये भी एक टेक्निक होती है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे रोप मेथड होता है। रोप मेथड में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे ऊपर एक एस्ट्रल रोप टंगी हुई है, और उस एस्ट्रल रोप को पकड़ के हम धीरे धीरे अपने फिजिकल बॉडी से अलग होते जा रहे हैं। ऐसे ही एक लैडर अप्रोच होती है, बलून अप्रोच होती है कि हम लैडर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बलून अप्रोच होती है कि बलून को पकड़ के हम अपने शरीर से बाहर जा सकते। तो ये सारी टेक्निक्स कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रैक्टिस मांगती हैं दोस्तों। पर जैसे कि मैंने कहा पहले कि अगर आप एक सेफ प्रैक्टिस विदाउट एक्सपेक्टेशन एस्ट्रल ट्रैवल को अगर आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से एस्ट्रल ट्रैवल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ज्यादा ध्यान दें कि मेरा जो मन है वो ज्यादा साफ हो, मेरा जो, मैं ज्यादा फियरलेस बनूं यहाँ पे, मेरा अंतकर्ण का शुद्धि हो, उससे ही आपका एस्ट्रल ट्रैवल भी एक शुद्ध वातावरण होगा और आपको बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस। तो इन्हीं चीजों को आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे देख सकते हैं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है, आप कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं। कृष्णा जी, अपना वीडियो ऑन म्यूट कीजिएगा प्लीज। वीडियो ऑन कीजिएगा। अपने आप को ऑन म्यूट कीजिए। आप ओके जी, आत्मवंदन मास्टर मास्टर, मुझे ये नमस्ते। पूछना था कि कभी कभी जब मैं, जैसे मैं गुढ़ाकेशा भी करती हूँ बीच बीच में, तो मैं जब ना कई बार ना मेडिटेशन करती रहती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी में ना कुछ पहले गया और एकदम से झटके से ऐसा लगता है कि कुछ अंदर आया, लेकिन मुझे कोई एस्ट्रल ट्रेवल का एक्सपीरियंस या ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अंदर आया है और एकदम से मेरी बॉडी पीछे खिसक जाती है, तो वो क्या चीज है? हाँ, ऐसा हो सकता है। ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है कि हम अपने शरीर से कभी कभी बाहर होते हैं, और जब शरीर में वापस आते हैं तो हमारी शरीर में एक झटका आता है, या हमें फील होता है कि मैं वापस से अपने शरीर में आ, ऐसा हाँ, हो। मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है कि मतलब एकदम से आता है, लगता भी नहीं कि मैं ना वापस उसी पोजीशन में रहती हूँ जैसी पोजीशन में थी, हाँ जी, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन उस समय ना बस वो जैसे वो क्या एस्ट्रल ट्रेवल का एक पार्ट है क्या? हाँ, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एस्ट्रल ट्रैवल ही हो, पर इसको हम कहीं ना कहीं आउट ऑफ बॉडी, क्योंकि हर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को हम जैसे क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारा शरीर, आपका इस अवस्था में क्या हो रहा है, आपका शरीर अपने, आपका सूक्ष्म शरीर आपके फिजिकल बॉडी से अलग हो रहा है, और जब वो अलग होता है फिर वो वापस से जब शरीर में आता है तो जर्क देता है, हमें पता चलता है। एस्ट्रल ट्रैवल में क्या होता है, शरीर अलग होके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेता है ना, फिर शरीर में वापस आता है। पर कभी कभी क्या होता है, हमें वो एक्सपीरियंसेस रजिस्टर्ड नहीं होते, हमारे दिमाग में नहीं आते, या हमें पता नहीं चलता कि क्या हुआ है, सिर्फ हमें झटके का ही पता चलता है कि हम अपने शरीर में वापस आए। मास्टर, वो झटका जैसे कभी फ्रंट साइड से आता है, कभी जैसे स्पाइनल कॉर्ड के पीछे की साइड से होता है, तो वो कहीं से भी जर्क्स हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकता है। अच्छा,
और मास्टर एक चीज और पूछनी थी कि ये जो जर्क्स आते हैं जैसे कभी कभार तो ना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट भी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विजन में नहीं आता है या कुछ ऐसे, मतलब आप जैसे आप बोलते हो रिलैक्सेशन करना चाहिए पहले बॉडी को, तो रिलैक्सेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? हाँ रिलैक्सेशन का मतलब होता है अपने मन को स्थिर करे और अपने शरीर को स्थिर करे, वो रिलैक्सेशन है। मतलब शरीर हिलना नहीं चाहिए, एक ही पोजीशन पे शरीर रहे। स्थिरता, शरीर में स्थिरता और मन में भी स्थिरता। अगर मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आपकी इमोशनल बॉडी में बहुत सारे इमोशंस चल रहे हैं, तो ये रिलैक्स स्टेट नहीं है, स्थिरता की अवस्था, शांत अवस्था जिसे हम स्टिलनेस कहते हैं। प्रीति मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। नमस्ते मास्टर नमस्कार। सर। मैं ये पूछ रही थी, जो आपने बाकी मेथड्स तो मुझे समझ में आए, एक वलून मेथड्स की कोई छोटी सी एग्जांपल बताइए ना। बलून मेथड होता है कि जैसे आपको एक्सपीरियंस करना है कि आपके ऊपर बलून्स का गुच्छा है और उस बलून के गुच्छे को पकड़ के आपका जो सटल बॉडी है, जो एस्ट्रल बॉडी है, आपके फिजिकल बॉडी से बाहर जा रहा है और आपको हायर डायमेंशंस में लेकर जा रहा है वो बलून, उसे हम बलून मेथड। और आपने कहा नींद में पकड़ना, जैसे नींद में हम जैसे पकड़ जैसे अभी जैसे मेरी नींद 3 साढ़े 3 खुल जाती है कई बार, लेकिन नींद मतलब बेड पे अपन इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उस समय कैसे पकड़ने, क्या बात है? बस आप जब उठ गए तो थोड़ा सा आप वॉशरूम जा सकते हैं, वॉशरूम ब्रेक लेके अपने बेड पे वापस से लेट जाइए रिलैक्स्ड पोज में। अगर आप मेडिटेट करते हैं वो भी बहुत बढ़िया, आप मेडिटेट करेंगे तो उसमें भी आपको एस्ट्रल एक्सपीरियंस हो सकता है। इसे कहते हैं नींद में पकड़। कंचन मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। आत्मवंदन सर, प्रणाम आत्मवंदन। सर। मैंने ऐसा आई थिंक 3 4 बार रियलाइज किया है कि मैं उठती हूँ। कई बार ध्यान में, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी निकल के कुछ खोलने की कोशिश करती है। और एक बार अभी रिसेंटली 6 मंथ बिफोर मैंने देखा कि मेरी बॉडी बाहर निकली है और मैं पहुंच गई हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ बहुत प्यारा प्राकृतिक चारों तरफ वो है, और वहां पे जिनको मैं मानती हूँ मेरे गुरुदेव को, उनको मैं आवाज लगा रही हूँ, झूला झूल रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इनसे बहुत गहरा संबंध है कि मुझे बाहर निकलकर बहुत कुछ करना है। मुझे अंदर से ऐसे फीलिंग आता है कि मैं ये नहीं हूँ, मुझे बाहर निकलकर बहुत सारे कार्य करने हैं, कोई सेवा करनी है, बट मैं अभी तक उस तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। और ये भी मुझे अनुभूतियां भी मुझे शायद आई थिंक सो 4 5 बार ही हुई हैं कि मैं सो रही हूँ तो अपने शरीर को मैंने देखा है कई बार, और बाहर भी निकली हूँ अपने शरीर से, बट इसको कभी सीरियस नहीं लिया इस पार्ट को। तो एस्ट्रो ट्रेवल का अभी मुझे रिसेंटली कुछ टाइम पहले से ही पता चला है कि ये चीजें भी होती हैं, तो मेरा क्या कनेक्शन है, मैं ये जानना चाहती हूँ, और आगे मैं कैसे और आगे कैसे बढ़ूं। पर सर आपने कहा था पिरामिड के पे आपने 80% आपने सारा अचीवमेंट छुआ लिया, तो सर मैं घर में रहती हूँ, मैं कहाँ से पिरामिड का अरेंज करूँ सर? तो देखिए पिरामिड तो बहुत सारे हमारे वैरायटीज में हमारे अवेलेबल हैं, जैसे हम वॉल पिरामिड्स भी आते हैं जो आपकी वॉल पे माउंट हो जाते हैं, उस पे चढ़ जाते हैं और उसके नीचे आप बैठ सकते हैं। आप अगर ईएमसी टीम से कनेक्ट करेंगे आपको वो बताएगी कि कैसे, जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्क्रीट का आपके छत के ऊपर ही बनाना हो, आप अपने कमरे में एक पिरामिड के नीचे ऑप्शंस अवेलेबल है, वो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जहाँ तक आपके एक्सपीरियंसेस की बात है और जहाँ आपको लगता है कि मुझे और कुछ करना है पर वो हो नहीं रहा है, देखिए हमें अपने फिजिकल शरीर से लगता है कि मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो कर नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ करना है, पर हमारे एस्ट्रल बीइंग्स को, हमारे एस्ट्रल मास्टर्स को, हमारे गाइड्स को ये पता है कि कब हम रेडी हैं उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जैसे गुब्बारा अपनी अवस्था से ज्यादा हवा नहीं भर सकता पर धीरे धीरे भरेगा, ठीक उसी प्रकार से जब आप और रेडी हो जाएंगे आप धीरे धीरे और एक्सपैंड होते जाएंगे। आपका काम क्या है, आप अपना मेडिटेशन रेगुलर रखें,
आप अपना स्वाध्याय रेगुलर रखें, अपना सज्जन सांगत्य रेगुलर रखें, इन्हीं तीनों चीजों को करते जाइए, धीरे धीरे आपके जो एक्सप्लोरेशंस हैं वो और बढ़ते जाएंगे, आपका खुद का विकास होता है। कामनी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। नमस्कार जी सर जी। हाँ जी, बहुत अच्छा आपका विजडम है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे को कई दफा अपने आप को ही मेरा फेस दिखता है एकदम क्लियर, अपने आप को ही देखती हूँ। और एक दफा तो ऐसे कि मैं चेयर पे बैठी हूँ और बहुत टाइम से नहीं मिला मेरा एक ब्रदर, मेरे आके गोद में सर रखा, मैंने यूं किया, वो मेरे को यूं देख रहे। मैंने बोला बाहर जाके बैठ के ध्यान करिए, ऐसे ऐसे करना है, आप ध्यान करिए। तो वो बाहर जाके वो ध्यान करने लग गए, उसके बाद टूट गया। लेकिन अपने आप को मैंने कई दफा देखा, ये एस्ट्रल होता है, ये क्या होता अपने आप को देखना, यानी कि हम अपने आप को ही बैठा हुआ है? देख रहे हैं, अपने शरीर को देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि आप अपने एस्ट्रल बॉडी से अपनी फिजिकल बॉडी को देख रहे हैं, हम कहते ओके ओके, यही पूछना था। अपनी शक्ल एकदम क्लियर अपने आप को ही हैं। देख पाती हूँ मैं, और किसी और को देखना वो भी वही है हाँ, कहीं ना चीज। कहीं हम उनको याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ओके हम उनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या होता है, जिस चीज को हम फिजिकली नहीं कर पाते फिर हम उसे एस्ट्रली करते हैं, ऐसा हो सकता प्रीति मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। है। आत्मबंधन मास्टर, मैं आपके एस्ट्रल वीडियोस भी फॉलो कर रही हूँ, बट समहाउ मुझे कभी एस्ट्रल एक्सपीरियंस हुआ नहीं। एंड मैं लगभग 15 साल से आई एम काइंड ऑफ अ सीकर, तो आई वाज रीडिंग, आई वाज डूइंग थिंग्स। तो मैं बहुत किताबें पढ़ रही थी, तो मैंने एक बुक में पढ़ा था एस्ट्रल एक्सपीरियंस। तब से मेरे को उस चीज को लेकर बहुत बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि हाउ इज डज दिस हैपन। बट ओवर द टाइम वो चीज खत्म हो गई। लेकिन जब से मैंने 2 महीने से ध्यान शुरू किया, तो मुझे लगा जैसे मतलब मेरी जन्मों की साध पूरी हो रही है। तो मुझे वो चीज मिल गई जो चीज मैंने कभी सोचा था मुझे शायद ऐसे अधूरापन ही रह जाएगा, जैसे आपके बारे में बताया था विजय जी ने, सेम थिंग हैपेंड विद मी एंड आई फील सो कंटेंट एंड फुल। बट कभी मुझे एस्ट्रल एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एंड फ्रॉम पास्ट 40 डेज आई एम डूइंग 3 आवर्स मेडिटेशन एवरी डे। तो जो चीज आपने बोली आज, तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ कमी है या क्या, वो देखिए, थोड़ा सा आपका ऑब्जेक्टिव एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस करना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है कंटेंटमेंट और फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करना, है ना? आपको वो आ रहा है, बस ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए। अगर नहीं हो रहा, जरूरी नहीं है कि हमें एस्ट्रल ट्रैवल हो। आप सिर्फ ये कर सकते हैं, जब आप 3 घंटे ध्यान कर लेते हैं, एकदम से अपना काम ना करने लग जाए, आंखें खोल के अपना उठ के आप थोड़ी देर लेट जाए, आधा घंटा लेट जाए, हो सकता है आपको एस्ट्रल ट्रैवल हो जाए। ओके, जय श्री। मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, आत्मवंदन जी गुड मॉर्निंग, आत्मवंदन। सर। मतलब मैं एक बार, मतलब ऐसे मुझे 2-3 बार हुआ है कि मैं सो रही हूँ और ऐसे कोई मेरा हाथ पकड़ के लेकर जा रहा है और फिर हाथ छूट गया और मैं नीचे गिर गई। एक बार तो ऐसे लगा कि पानी में गिर गई। तो ये क्या एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कभी कभी एक्सपीरियंसेस ऐसे सबको होते हैं, पर एस्ट्रल ट्रैवल को हम मुख्यतः वो मानते हैं जब हम अपने शरीर से बाहर जाते हैं। कई चीजें हमारी ड्रीम्स भी होती हैं, है ना? तो नॉट ऑल ड्रीम्स आर एस्ट्रल ट्रैवल्स, नॉट ऑल ओके। ड्रीम्स आर आउट ऑफ बॉडी। और जैसे ध्यान में बैठते हुए मुझे मतलब ऐसे किसी ने धक्का दिया, तो ये मतलब ये क्या संकेत हो सकता है, ये जरा बताइए। आपको धक्के वाली फीलिंग आती है या आप देखते हैं कोई धक्का दे रहा नहीं, ऐसे लगता है कि जिस मतलब किसी ने ऐसे मुझे धक्का दिया और मैं मतलब ऐसे ऐसे हो जाती हूँ ध्यान में भी कि अरे ये किसने दिया और यहाँ तो कोई भी नहीं है, ऐसे करके। है? हाँ, ये एनर्जी शिफ्ट्स होती है मैडम, है ना? जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो होता क्या है, हम बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को, एनर्जीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हैं। जब हाई फ्रीक्वेंसी आती है तो हमें कभी कभी धक्के का वाला फीलिंग आता है, हमें जर्क लगता है, झटका लगता है।
ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। नीलम मैम अपने आपको अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन नमस्ते। सर, मुझे ना झटके बहुत लगते हैं। जैसे मैं मेडिटेशन करना शुरू करती हूँ तो शुरू में मुझे मूलाधार चक्र पे ऐसे रोटेट होता फील होता है, फिर उस वो ऊपर चढ़ता जाता है। और शुरू में तो ऐसे होता था, अब सीधा ऐसे लगता है जैसे कपालभाति अपने आप होना शुरू हो जाती है झटके से। और फिर उसके बाद गर्दन एकदम अकड़ने शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी। उसके बाद सिर के कान के पास इतना तेज ऐसे झंझनाहट, या ऐसे लगता है जैसे सुन होता जा रहा है। और आंखों से वाइट वाइट बादल टाइप से ऐसे चारों तरफ आगे आगे घूमते जा रहे हैं, बस इतना फील होता है। उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर बस मैं होश में मतलब ऐसे आ जाती हूँ कि देखिए, ये सारी एनर्जी शिफ्ट्स होती हैं मैडम, है ना। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, ज्यादा बढ़नी शुरू होती है ऊर्जा, और ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको सिर्फ सारी चीज का दृष्टा बनना है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करती हैं, जब यहाँ पे पहुंचती हैं तब आप ध्यान खोल देती हैं। मैं हाँ कहूंगा एकदम थोड़ा से थोड़ा मतलब अपने आप बना, कॉन्शियसनेस वापसी आ, ऐसे लगता है ये क्या हो रहा है या कहीं मतलब क्या हो गया है, ऐसे इस डर चीज को सा लग। छोड़े नहीं, छोड़े नहीं, आप सारी चीज का दृष्टा बने, जो हो रहा है उसको होने दें। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई कपाल भारती नहीं करनी। अगर वो नेचुरल हो रही है अलग बात है, पर अगर आप करने लग जाएंगे फिर आप काम में लग, नहीं सिर्फ नेचुरल होती है, 2-3 मिनट के सिर्फ लिए होती है अपने आप, जी सिर्फ या पेट दृष्टा में बने, ऐसे गोला सा घूमता है। दृष्टा बने, दृष्टा बनने के बाद यहाँ पे भी दृष्टा बने, यहाँ पे छोड़े नहीं, खोले नहीं अपनी आंखें, थोड़ा 4 5 7 मिनट बने रहें, आप इससे भी फिर पार निकल जाए, कर सकते हैं आप, थोड़ा पर अपने साथ बने रहिए। अंजू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन सर, जी नमस्ते, आपको सर मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। 2016 की बात है ये, तो मैंने अभी ये तो पीएमसी अभी थोड़े टाइम पहले ज्वाइन किया है, 20-25 दिन पहले से। मैं उस टाइम अपने आप से त्राटक ध्यान स्टार्ट किया था, मैंने 1 वीक हुआ था। तो मैं जब भी रात को मेरी नींद खुलती थी या कुछ भी है, मैं उसी टाइम बैठ जाती थी उसको करने। और 1 हफ्ते के बाद ही मुझे ऐसे लगा रात को अचानक ही कि मेरे अंदर से ना कुछ बाहर निकल रहा है। जब मुझे ये एहसास हुआ कि ये तो है ना मेरी चेतना है या कुछ ऐसा कुछ है, तब मुझे फिर अपनी बेटी का ख्याल आ गया कि वो छोटी सी है, अगर मुझे अंदर नहीं लेके जाना आया तो मैं क्या करूंगी। ऐसे विचार आते ही वो वापिस अंदर चली गई, जैसे आपने बताया कि वो झटके से ही अंदर जाती है। मुझे वो सारा एहसास हुआ एकदम से, मेरी नाभि के अंदर से गया और वो मेरे गले तक आ गई थी। उसके बाद से मेरा गला बहुत ज्यादा खराब रहा बहुत काफी दिनों तक। हाँ जी, ऐसा होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अब हुआ क्या, एक फियर ने आपको रोक लिया उस चीज को अनुभव करने के लिए, है ना। फियर हाँ जी क्या था कि मेरी बेटी का, जबकि हम अपनी बेटी से दूर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप को इससे एक्सपैंडेड वर्जन में एक्सपीरियंस कर रहे थे बस, है ना। तो ठीक है, ये एक्सपीरियंस हुआ, बिल्कुल सही है, आगे भी हो सकता है, पर उस चीज के लिए हम अपने फियर को डिजॉल्व करें, तब इस एक्सपीरियंस को हम ले सकते। सर, अभी एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे। प्रीतम जी जी बिल्कुल। जी अपने आपको अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सर, थैंक जी नमस्ते, आत्मवंदन। यू विजय जी। मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छा चल रहा है मेरा एस्ट्रल ट्रेवल वगैरह। मैं पिरामिड्स, आज भी पिरामिड्स पे बैठा था, गोल्डन पिरामिड्स पे। मेरे को ब्लेसिंग्स से आती है, लाइक जैसा अभी प्लांट किंगडम से आ रही है, एनिमल किंगडम से आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है। तो मैं समझ नहीं रहा हूँ कि वो क्या बोल रही है एक्चुअली। और कभी कभी लगता है मेरे को बुक नहीं पढ़ना चाहिए। और आप आज जो बोले ना, मैं ब्रह्मर्षि पत्री जी के साथ एक अलग ही प्लेन से गया था, अलग दुनिया में।
एक कमल जैसा यान था, उसमें वो मेरे को लेके गए थे, जो सत्यलोक भी हो सकता है, उधर भी लेके गए, दिखाया उन्होंने, ऐसा भी हुआ है। मेरा और एक क्वेश्चन है, विजडम का कैसा अंडरस्टैंडिंग करना है, और दूसरा एक क्वेश्चन है कि कभी कभी मृत लोग आते हैं ध्यान में, और मैंने बहुत सारा टाइम वो मेरे को प्रणाम करते हैं, तो मैंने उनको ब्लेसिंग दिया है, वो जाते हैं, और मैं अभी ध्यान लेता हूँ, तो कोई कोई लोग आके मेरे को पूछते हैं कि उनके ध्यान में एस्ट्रल ट्रेवल में मृत शरीर आते, वो घबराते हैं, तो मैंने तो उनको कंट्रोल किया, मैं उनको लॉक करके दिया कि मत आओ, तो थोड़ा कम हुआ है मेरा, जैसा अच्छे मास्टर से वैसे अलग अलग मास्टर भी आते हैं कभी कभी, लेकिन उनको मैं भगाता हूँ। लेकिन बाकी लोगों को कैसा कंट्रोल करना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। कि अनुभव को हमेशा अनुभव की तरह लीजिए। जैसे अगर आप पहले एक्सपीरियंस में, जैसे आपने कहा कि एनिमल किंगडम, एस्ट्रल वर्ल्ड का मुझे ज्ञान, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, पर मुझे पता नहीं है वो क्या है। अगर आपको इस समय में वो पता नहीं है, यानी कि वो इस समय के लिए नहीं बना है, जब उसका समय आएगा वो अपने आप ही आपके टाइम में खुल जाए। वो आपको रजिस्टर हो गया, आपको मिल गया है, पर जब उसका समय आएगा तभी मिलेगा। जैसे हनुमान जी के पास शक्तियां थी, है ना, पर जब उनका समय आया लंका कूद, यहां से लंका जाने का, तभी वो शक्ति जागी। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा समय आएगा तभी वो शक्ति हमारे अंदर जागी। और अनुभव को सर अनुभव की तरह ही ले। अनुभव आपका एंड नहीं है, अनुभव से आगे आपको जाना है। तो कोई भी अगर आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं जहां पे मृत लोग दिखते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस की तरह ही लें, कुछ विटनेस करें, सिर्फ कुछ करना नहीं है उनको, कोई ब्लेसिंग नहीं देने की जरूरत, कुछ करने की जरूरत नहीं, बांधने की जरूरत नहीं। आप अगर विटनेस में रहेंगे, आप ऑटोमेटिकली अपनी हायर एनर्जी जोन में है, विटनेस जोन में है, जहां पे कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। आप सिर्फ इस चीज का ध्यान रखें, विटनेस में रह के, आपका किसी के लिए करना आपका मेडिटेशन नहीं है, आपका मेडिटेशन है विटनेस में रहना। जितना आप विटनेस रहेंगे उतना आप अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे और अपने एंड गोल को एक्सपीरियंस करेंगे। थैंक यू सर, इतने बड़े टॉपिक को इतने अच्छे से भाषा में हमें बताने के लिए और इतने अच्छे से सभी आंसर के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मास्टर्स, अभी हमें विदा लेने का वक्त आ गया है, ले और आप सभी को विदा लेने से पहले सभी को बधाई हो कि आपने मास्टर मनु 5.0 के पूरे सेशन आपने बहुत धैर्य पूर्वक से अटेंड किया है और अब आप एक मास्टर हो, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और कल हमारा, आज हमारा लास्ट सेशन था एक्चुअली, कल हमारा क्लोजिंग सेशन है और उसमें हम लोग क्लोजर्स सभी मास्टर के एक्सपीरियंस सुनेंगे। और कल ही हमारा सफर खत्म नहीं होता है, कल के बाद भी हमारा मेडिटेशन जो है कंटिन्यू रहेगा अंटिल अगले मास्टर बनो तक, आने वर्कशॉप आने तक। तो जिन मास्टर के सवाल नहीं यहाँ पे कवर हो पाए हैं, तो वो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो बुक है, बुक आज का जो टॉपिक था, उस बुक का नाम है यू फॉर एवर बाई टी लोपसंग रामपा, और हिंदी में उस बुक का नाम है तुम शाश्वत हो। ये बुक आपको अमेजोन पे आसानी से मिल जाएगा, तो आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसमें थर्ड आईज एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रेवल रिलेटेड बहुत सारी चीज मिल आपको अधिक जानकारी में आप समझ पाएंगे। दूसरा, स्पिरिचुअल रियलिटी अगर आप वीडियो देखेंगे तो हमारे मेडिटेशन और एस्ट्रल ट्रेवल के पीछे का जो साइंस है वो आपको पूरी तरह से आप समझ में आएंगे। तब तक तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और कल फिर हम लोग मिलेंगे एक इंजॉयमेंट के लिए और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर।